अगर भाई इसकी जगह मारुति या कोई दूसरी गाड़ी होती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती बंदे की। बिल्ड क्वालिटी तो भाई बहुत तगड़ी है एमजी की। हेलो गाइस, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ना भाई, आप कहोगे कि भाई इसको देख के तो कभी गाड़ी ज़िंदगी में तेज़ चलाऊँगा ही नहीं, और अगर कभी मजबूरी में चलानी भी पड़ गई ना तो भाई कभी दारू पी के नहीं चलाऊँगा। ये भाई मैसेज सब भाइयों के लिए जो भी दारू पी के गाड़ी चलाते, भाई प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाया करो यार, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है अगर आप दारू पी के चलाते हो, हवाबाजी में गाड़ी भगाते हो। तो यार ये जो एक्सीडेंट है ये अपना मोतीनगर वाले रोड पे हुआ है, सुबह 6:30 बजे की बात है भाई। मैं तो अपना पार्क जा रहा था आराम से स्कूटी पे DLF, तो यहाँ पर देखा भाई मोतीनगर एक्सीडेंट हुआ है। उस टाइम तो भाई मैंने कुछ वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई भाई, मतलब ही नहीं वीडियो बनाने का। अब आप कह रहे हो भाई अब क्यों बना रहा है, भाई अभी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब भाइयों को मैसेज चला जाए कि कभी गाड़ी ज़िंदगी में तेज़ नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यार ये जो वीडियो है इससे भाई समझ गए ना आप, आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी। और आप कहोगे कि हाँ भाई कोई भाई था जिसने सही सलाह दी थी कि भाई कभी गाड़ी ज़िंदगी में तेज़ नहीं चलानी चाहिए। ये जो आपको मेरे पीछे बस दिख रही है ना भाई, इलेक्ट्रिक बस, इससे एक्सीडेंट हुआ है। तो एक बार देख लो, आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। ये देखो भाई, इलेक्ट्रिक वाली बस है अपनी, जो नई वाली चलती है अभी दिल्ली के अंदर, मेन मोतीनगर वाला अपना चौक है जहाँ पर भाई गोल चक्कर पड़ता है, अपना यूटर्न वगैरह मार सकते हो। अब देखो भाई गाड़ी की हालत, ये अपनी MG इलेक्ट्रिक ZS EV, भाई गाड़ी हो गई पूरी ख़त्म भाई, टोटल लॉस है। इंजन वगैरह तो इसके अंदर कुछ होता ही नहीं भाई, बैटरी पता नहीं कहाँ चलेगी उड़ उड़ के, गाड़ी की हालत हो चुकी है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था भाई। गाड़ी का जो बंदा था ना, उसने दारू पी रखी थी और होगा भाई कम से कम 70-80 की स्पीड, और बस से टकरा गया। और बस से टकराने के बाद भाई इसकी हालत ये हो चुकी है आपके सामने है भाई। इसकी जो बंदा था ना वो बच गया, बस क्यों, क्योंकि इसके अंदर भाई एयर बैग खुल गए दोनों। 22-23 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट होती है भाई, MG की इलेक्ट्रिक ZS EV, जिसने बंदे को सेफ बचा लिया। इसकी जगह कोई मारुति फारुति होती ना भाई, बंदा ऑन द स्पॉट ख़त्म था। तो इसके अंदर भाई MG की जो गाड़ी है, इसके अंदर बंदे की बस दोनों टांगें टूट चुकी है, जो इसको ड्राइव कर रहा था एक ही बंदा था इसके अंदर, और उसको भाई हॉस्पिटल ले जा चुका है अभी। तो इसके अंदर भाई उसने ड्रिंक कर रखी थी, और भाई मेनली जिसने ड्रिंक कर रखी होती है उसी की गलती सामने आती है। बाकी गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है, टोटल लॉस जाएगी भाई, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। आगे से देख लो, पीछे से देख लो भाई, सारा सिस्टम हैंग हुआ पड़ा अपनी MG इलेक्ट्रिक ZS EV का। इसीलिए कहते हैं कि इन बस जैसी ट्रक जैसी गाड़ियों से, बड़े व्हीकल से हमेशा गैप बना के चलो और अच्छे से ड्राइव करो। ये तो भाई अपनी MG की ZS EV थी, इसके अंदर कुछ नहीं गया, सीट वगैरह सारी प्रॉपर रखी, बस आगे का बोनट ख़त्म हुआ है, बाकी एयर बैग ने बचा लिया। तो यार जो इलेक्ट्रिक ZS EV है ना, इससे यहाँ से बस टकरा के गई होगी, मिरर से आपको निशान दिख रहे होंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई माननी पड़ेगी, लोग ऐसी चाइनीज़ बोलते रहते हैं इसको, बट लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी जब सामने आ गई ना, तब आपको पता लगेगा यहाँ पर पूरा रोड जाम हुआ पड़ा है भाई इसकी वजह से। ये देख लो बस भी कितनी मुश्किल से निकल पा रही है। और एक तो जो इलेक्ट्रिक बस होती है ना, इसको भी लोग काफ़ी ज़्यादा भगाते हैं जो इसके ड्राइवर होते हैं, क्योंकि भगती बहुत तेज है। और ये जब बस उड़ी है ना भाई, सीधा डिवाइडर पर चढ़ी है, इसने कैमरे वैमरे सब तोड़ दिए, जो खंभा देख रहे हो खंबे पे कैमरे लग रहे थे, कैमरा वैमरा सब तोड़ दिया इसके अंदर। और बस का जो आगे का मिरर है, हेडलाइट वगैरह वो दिखाता है एक बार भाई, सारी उड़ के आगे जाके पड़ी हुई है। ये कुछ अपनी बस की सामने से हालत है, ये रे कैमरे खंबे पे लगे हुए थे, इसके गेट वेट सब टूट चुके हैं भाई। अब तो ड्राइवर की गलती है बस वाले की, या फिर अपने गाड़ी वाले की, वो तो इन कैमरों में पता लगेगा, क्योंकि यही लगा रखी थी भाई 4 आंखें रोडों पर, जो कि बता देती है कि किसकी गलती है। बाकी फ्रंट में इसका मिरर डैमेज हुआ, बस का यार क्या ही बिगड़ेगा, इतनी हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये बस आती है, और वो भी इलेक्ट्रिक। इसका कुछ नहीं गया भाई, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, पीछे से कुछ नहीं। पर लेकिन जो अपना गाड़ी वाला भाई था, उसका बहुत कुछ चला गया यार, उसके पैर भी टूट गए और गाड़ी का भी पूरी ख़त्म हो चुकी है। यार ऐसा नहीं है कि गाड़ी वाले की गलती हो सकता है, बस वाले ने भी गलती करी हो, स्पीड में लेके आ रहा हो, अब हमें नहीं पता भाई किसकी गलती है, वो तो सरकार जाने। और इसी जगह कोई भाई टोयोटा फॉर्चूनर जैसी बड़ी गाड़ी भी होती ना, उसमें बंदा बच जाता अगर इतना एक्सीडेंट होता, पर लेकिन गाड़ी ख़त्म हो जाती भाई। बहुत सारे लोग रुके हुए आके देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं। तो यार ये चीज़ें ऐसी होती है कि लोग तमाशा बना देते हैं। हालांकि मेरी भी गलती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ बस, लेकिन मैं भाइयों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता लग जाए और आप ऐसी गलती ना करो। यार ये सुबह 6:30 बजे ना, जिस टाइम मैं जा रहा था उस टाइम पे एक्सीडेंट हो चुका था, उस बंदे को गाड़ी में से बाहर निकाल रहे थे, और मेरे को यार ऐसी चीज़ें देख के ना थोड़ा सा अजीब सा लगता, तो इसलिए मैं यहाँ से चला गया था फिर। और जिस हिसाब से बस डिवाइडर पर चढ़ी है ना भाई, मेरे को तो बस वाले की भी गलती लग रही है, क्योंकि बस वाला सामने से आ रहा था और ये गाड़ी वाला राइट साइड से आ रहा था। इसके अंदर बस के इंटीरियर में तो कुछ ज़्यादा गया नहीं होगा, जितनी बाहर से लग रही है ना, इतना अंदर से कुछ नहीं हुआ होगा इसके अंदर। इसका पहिया वहिया मुड़ा पड़ा, ऊपर से 100% इलेक्ट्रिक वगैरह लिखा हुआ है, अंदर से देख लो यार पूरी सेफ है बस, कुछ नहीं गया इसके अंदर, सीट वीट सब ऐसी रखी हुई है, कुछ नहीं टूटा ना फूटा, बस आगे से फ्रंट में लाइट मिरर वगैरह टूटा इसके अंदर।
और जो बस होती है ना यार, इसके अंदर पिकअप भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाली है और इसने खंभे तक को तोड़ दिया यार। आप देखो, बस की भी गलती हो सकती है जिस हिसाब से एक्सीडेंट लग रहा है, क्योंकि गाड़ी वाले की तो होगी होगी, बस वाले की भी हो सकती है। और भाई गाड़ी देख के तो ऐसा लग रहा है MG वालों ने भाई कोई चीज़ बना रखी है। मैं तो मान गया यार MG की इलेक्ट्रिक ZS EV को यार, पूरा फेंडर वेंडर टूट के हट चुका है, इसका टायर फट चुका है, अलॉय बुड़ चुका है, और यार गाड़ी के अंदर बंदा तब भी सेफ बच चुका है। ये देखो फेंडर लाइनिंग भाई मजबूत सी लग रही है, इसकी बॉडी लाइनिंग देख के MG की इलेक्ट्रिक ZS EV का जो ड्रिंक बंदा था ना, उसके यार चोट कम लगी है क्योंकि एयर बैग खुल चुके हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और उसके पैर में हुई है बस जो दिक्कत हुई है, उसको उठा के एम्बुलेंस वाले ले गए थे। यार ये जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं ना, इसमें ये रहता है कि आपको हमेशा दारू पीने वाले की ही गलती मिलेगी, कभी आपको नॉर्मल बंदे की गलती नहीं मिलेगी। इसकी अभी कार्रवाई चल जाएगी, अभी यहाँ पर अपने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ये अपना फोटो वोटो ले रहे हैं, अभी देखते हैं इस गाड़ी को सरकाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाम लग रहा है इसकी वजह से। ये जो अपना मोदी नगर मेट्रो स्टेशन वाला रोड है, पूरा का पूरा जाम पड़ा है यहाँ से पीछे तक लेके, क्योंकि गाड़ी बीच रोड पर खड़ी है यार। और एक इसके अंदर ये दिक्कत रहती है भाई, साइड ही नहीं होती, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रिक होती है ना, इनके अंदर सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि आप इसको खिसका नहीं सकते बिना खींचे वींचे, या फिर जब तक टायर वायर ना इसका हिले, क्योंकि गाड़ी हो जाती है भाई पूरी लॉक, ऑटोमेटिक वाली के अंदर ये सिस्टम रहता है, गाड़ी हो जाती है लॉक, ना आप इसको खिसका सकते ना कुछ कर सकते। अभी बंदे धक्का भी मार रहे थे पर लेकिन इसका भाई कुछ नहीं गया। और आज भाई ये वाला एक्सीडेंट देख के ना पता लग गया कि हमेशा सेफेस्ट गाड़ी लेनी है, भले ही 2-4 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे दो, पर भाई गाड़ी लो सेफेस्ट वाली, ताकि ऐसे एक्सीडेंट हो तो आप बच सको। यार ये तो MG की इलेक्ट्रिक ZS EV फिर भी छोटी सी लगती है, देखना कितनी छोटी लगती है दूर से देखने में, फिर भी इसने बंदे को जिंदा बचा लिया। एयर बैग होने चाहिए भाई गाड़ी के अंदर, कोई भी गाड़ी ले रहे हो हमेशा कोशिश करो भाई कम से कम उसके अंदर 2 एयर बैग तो मैंडेटरी हो, हालांकि अब तो भाई मैंडेटरी कर रखा है सब गाड़ियों में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, पर लेकिन ये जो MG इलेक्ट्रिक ZS EV ने इसके अंदर भाई फिर भी बंदा बच गया। इसके बोनेट वगैरह की बिल्ड क्वालिटी देख के पता लग रहा है, अब ये पुलिस वाले इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पीछे करने को ट्राई कर रहे हैं कि हिल जाए। 3-4 बंदे धक्का मार रहे पर लेकिन भाई इसका कुछ नहीं जा रहा। यहाँ पर इसके इंटीरियर में देखोगे एयरबैग खुले हुए, कुछ नहीं जा रहा इसके, ना तो स्टेरिंग बोट रहा ना इसकी खिसक रही गाड़ी, इसलिए भाई अभी ये जब तक क्रेन नहीं आएगी तब तक हटेगी नहीं, ऐसी पड़ी रहेगी अभी थोड़ी देर तक। तो भाई मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा सब भाइयों को कि भाई हमेशा ड्राइव सेफ करो, कभी ड्रिंक करके ना चलाओ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।